एक बार फिर से रतीश का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ वो काउंटिंग सेंटर से बने हुए हैं। रतीश, जो कानपुर जो शिक्षक खंड की जो सीट है उस पर परिणाम में अभी कितना वक्त और लग सकता है, क्या कुछ वहां चल रहा है? बिल्कुल, शिक्षक एमएलसी सीट की अगर बात की जाए तो लगभग सब कुछ तय है। 1000 से ज़्यादा वोटों से जीत हुई है राजबहादुर चंदेल की, लेकिन आधिकारिक घोषणा अभी नहीं की गई है। एग्जैक्ट फिगर कुछ देर बाद जरूर बताया जाएगा और चुनाव आयोग को इन्फॉर्मेशन भी जो भेज दी गई है। निर्वाचन आयोग से जैसे ही रिप्लाई आएगा उसके बाद सर्टिफिकेट, उनको एक इंटीमेशन दिया जाता है प्रॉपर, और उस इंटीमेशन के बाद जो रिप्लाई आता है उसके बाद ही सर्टिफिकेट बनाया जाता है और सर्टिफिकेट सौंपा जाता है। तो अभी इसमें कुछ देर जरूर लग सकती है, आधे घंटे का वक्त लग सकता है। और अरुण पाठक जो स्नातक सीट से जीते हैं उनको भी अभी सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो सर्टिफिकेट देने की औपचारिकता जरूर बची है। राजबहादुर चंदेल इंतजार कर रहे हैं कि वो कब सर्टिफिकेट पाएंगे, क्योंकि छठी बार होगा जब वो जीत दर्ज करें। यहाँ पर आते हुए राजबहादुर चंदेल उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेंगे कि देखिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। बस हमारे सामने वित्त विहीन व्यवस्था के शिक्षकों की सेवाओं को सुनिश्चित कराना और उन्हें सम्मानजनक मानदेय। चलो हटो हटो चलो बहेंद्र। हाँ बिल्कुल, तो ये चंदेल साहब हैं। और रतीश, जिस तरीके से अपनी प्राथमिकताएं वो बता रहे हैं और आपने बताया भी कि 84 साल उम्र है, लेकिन सक्रियता इनके काम आई बहुत। आप जीत, आपने जीत करी है, लोग क्या बात, नहीं तो मैं 24 घंटे की नौकरी मानता हूँ। मैं 24 घंटे मोबाइल खुला रहता हूँ, मैं पहले अटेंड करता हूँ, खाना पीना लेट हो जाए, रूटीन हमारा गड़बड़ हो जाए बड़ा मुद्दा है। उस मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे, चलाएंगे, शिक्षकों का समर्थन मिलेगा, बड़ा आंदोलन करेंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे और हल कराएंगे इस मसले को। आपकी जीत क्या संदेश है? पेंशन ले सकती है न्यायपालिका, पेंशन ले सकती है, तो कार्यपालक के रूप में शिक्षक कर्मचारी अधिकारी क्यों नहीं पाएंगे पेंशन, उन्हें भी पाना चाहिए। आपकी जीत क्या संदेश देती है? हमारी जीत संदेश देती है कि हम मुद्दे ऐसे उठा रहे हैं और उन मुद्दों की पूर्ति की दिशा में संघर्ष कर रहे हैं। 3 बार मैंने मूल्यांकन बहिष्कार किया, 2013, 2015, 2019। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। राजबहादुर चंदेल अपनी जीत पर साफ तौर पे बोलते हुए ओपीएस की बात जो शिक्षक कह रहे थे वो भी उस बात को भी दोहरा रहे हैं। कह रहे हैं कि जब सभी को पेंशन मिल सकती है तो शिक्षकों को पेंशन क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और अपनी बातों के साथ साथ कह रहे हैं कि उनकी जीत का संदेश यही है कि जिन मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे थे उनको शिक्षकों ने समझा है और उसके बाद उनको जीत दर्ज कराई है। जी बिल्कुल रतीश, लेकिन जिस तरीके से जनाधार वाले नेता हैं तो ऐसे में एक सीट निर्दलीय ने मारी तो ये यहाँ पर झटका भाजपा और सपा दोनों को लग गया, अगर हम कानपुर में शिक्षक एमएलसी की बात करें तो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी उम्मीद थी कि शिक्षक एमएलसी सीट पर भी वो जीत दर्ज कर सकती है। 19,000 से ज़्यादा मतदाता थे, लेकिन राजबहादुर चंदेल का कद काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, शिक्षक उन्हें पसंद करते हैं। 5 बार से एमएलसी होना कोई आसान बात नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सारे दांव चल रही थी कि किस तरीके से इस सीट को हथिया लिया जाए। जो बहुत क्लोज सोर्सेस हैं वो ये भी बताते हैं कि जब बीजेपी अपना उम्मीदवार तय कर रही थी उससे पहले ये भी देखा गया कि राजबहादुर चंदेल को बीजेपी अपना उम्मीदवार बना करके सीट पर उतार दे, लेकिन उनका उम्र जो था, उनकी उम्र का जो एक बैरियर था उसको देखा गया, क्योंकि 84 इयर्स के हैं, काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक बैरियर होता है 75 साल का, तो उस बैरियर को वो क्रॉस कर चुके थे और इसीलिए शायद उनकी बात नहीं बनी। और उसके बाद वेणु रंजन भदौरिया को उतारा गया मैदान में, लेकिन वेणु रंजन भदौरिया नहीं दावेदारी या मजबूत दावेदारी राजबहादुर चंदेल के सामने पेश कर पाए और वो इस चुनाव को हार गए। फिलहाल जो आरओ हैं, मंडलायुक्त हैं, वो अरुण पाठक को सर्टिफिकेट देने गए हैं और हम वही उसी तरफ चलते हैं क्योंकि वो भी हॉल थोड़ा पास में ही है और वहाँ पर सर्टिफिकेट अरुण पाठक को देने के बाद ही वेणु जो राजबहादुर चंदेल हैं उनको भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो फिलहाल सभी अधिकारी जो पर्यवेक्षक हैं वो उस तरफ जा रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों को उधर ही लेकर के चलेंगे जहाँ पर जो मंडलायुक्त राजशेखर हैं, जो चुनाव इन चुनाव के यानी शिक्षक एमएलसी और स्नातक एमएलसी चुनाव के आरओ हैं वो अब वहाँ पर निकल के गए, यानी अब जो सर्टिफिकेट देने की औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा। और अरुण पाठक काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं कि उनको सर्टिफिकेट मिले और उसके बाद वो समर्थकों के पास और जो मंदिर, वो कह रहे थे कि मंदिर जाएंगे, आशीर्वाद लेंगे भगवान का, तो वहाँ पर वो पहुँचेंगे और इसके बाद
दूसरा सर्टिफिकेट जो है राज बहादुर चंदेल का, जिनसे अबसे कुछ देर पहले हमने बात की थी, उनको लौट करके आएंगे और सर्टिफिकेट जीत का देंगे और उसके बाद राज बहादुर चंदेल यहां से निकलेंगे और वो उन्नाव की तरफ जाएंगे क्योंकि वो उन्नाव के रहने वाले हैं। इस सीट पर राज बहादुर चंदेल की जीत काफ़ी संदेश देती है। भारतीय जनता पार्टी ने 5-0 से जीतने का दावा किया था लेकिन 5वीं सीट वो नहीं जीत सके। वेणुरंजन भदौरिया 2 घंटे पहले यहाँ से जा चुके हैं। राज बहादुर चंदेल को अब से कुछ देर बाद जीत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा लेकिन उससे पहले जो स्नातक MLC सीट पर हैट्रिक लगाई है अरुण पाठक ने, उनको सर्टिफिकेट देने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर उस हॉल की तरफ बढ़ रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों को लेकर चल रहे हैं। जब जीत का सर्टिफिकेट अरुण पाठक को दिया जाएगा और उसके बाद वो पांडुनगर ITI जहाँ पर मतगणना हो रही है, कल से मतगणना चल रही है 8:00 से, वो यहां से निकलेंगे और इसके बाद अपने समर्थकों के बीच में जाएंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। जी बिल्कुल, मतलब लंबी जद्दोजहद चली और अब देखिए परिणाम का वक्त है और अब सर्टिफिकेट दिया जाना है। तो लगातार ये जो कमरा है जहां पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा वहां पर रतीश पहुंच रहे हैं। रतीश, क्या यही वो जगह है जहां पर सर्टिफिकेट दिए जाएंगे और माहौल एकदम बदल चुका है क्योंकि जिनको जीत की आस थी वो जीत गए हैं, जिनको जीत की आस थी कुछ हारे भी हैं, तो मिले जुले संदेश और क्या यहीं पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा? तो देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं और जो विजयी प्रत्याशी हैं उनको यहां पर सर्टिफिकेट मिलेगा। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दो जो प्रत्याशी जीते हैं कानपुर स्नातक और कानपुर शिक्षक, ABP गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले तस्वीर आपके सामने है, देखिए जो प्रत्याशी जीते हैं उनको यहां पर सर्टिफिकेट दिया जाना है और यहां पर रतीश हमारे जो सहयोगी हैं वो पहुंच गए हैं। रतीश, फिलहाल यहाँ पर क्या चल रहा है? तो शायद रतीश तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है लेकिन हम देखिए आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं और यहां पर सर्टिफिकेट अब विजयी प्रत्याशियों को दिए जाने हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।